तो भैया लोगों ने जो है ना कुछ पैसा उसे देके भी मदद कर दिया, तो भैया आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और इसे क्या बोलते हो भैया ये सब्जी को? ये मुनगा। मुनगा मुनगा बोलते हो क्या? आराम से घर जैसे खाने। अच्छा अच्छा, तो रहा है। और इतना फाटक में ट्रैफिक भाई सब देख सकते हो। चेत तक कोई रोटी है और ये चना मसाला लिया कुछ हाफ प्लेट है। तो जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि सब एकदम बढ़िया मस्त एंड खुश हो। तो आज है मेरा डे 169 और कल रात में रुका हुआ था इस जगह पे, देख सकते हो ये बस स्टॉप का रेस्ट हाउस है, वो वाला बेड में सोया हुआ था। बाकी सुबह सुबह उठ गया, चेतक को भी पैक करा दिया और मैं भी एकदम पैक हो चुका हूँ ब्रश ब्रश करके। बस स्टॉप से नीचे आ चुका हूँ और बाहर से देख लो बस स्टॉप काफ़ी बड़ा बस स्टॉप है और ऊपर उधर सोने का इंतज़ाम है, तो ऊपर उधर सोया था जाके। तो जो भी है आज का राइड को भी स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड को कर दिया हूँ स्टार्ट और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बागेश्वर धाम के लिए। कुछ 260 किलोमीटर है यहाँ से, काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। और बागेश्वर धाम के पास ही में है खजुराहो, वो भी घूमने लायक जगह है। तो अभी चलाते रहते साइकिल को और इस सिटी से निकलते हैं बाहर। सिटी से निकलने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये दुकान मिल चुका है ब्रेकफास्ट के लिए और ब्रेकफास्ट में है पोहा, देख सकते हो कुछ 20 रुपये का प्लेट है। फिर हाईवे पे समोसा जलेबी किसी का कुछ मिलता ही नहीं है दूसरा, तो अभी इस ब्रेकफास्ट को करते हैं। मस्त ब्रेकफास्ट करके सिटी से बाहर आ चुका हूँ और कुछ 30 रुपीज़ खर्चा हो चुका है। 10 रुपये का एक्स्ट्रा जलेबी ले लिया था और 20 रुपये का तो पोहा ही था। तो अभी चलाते रहते हैं और 260 किलोमीटर है खजुराहो के वहाँ तक, तो देखते हैं 3 दिन में पहुँच पाते हैं या नहीं, क्योंकि बीच में पहाड़ी वगैरह भी आएगा। और फिलहाल जिस रोड पर चल रहा हूँ ये है NH30। तो अभी मैं चल ही रहा था तो यहाँ पर कुछ भैया लोग मिले, देख सकते हो भैया लोग आसाम से है, बोल रहे हैं। भैया तुम्हारा नाम क्या है? विजय साहू। विजय साहू। तुम्हारा? अरुण ग्वाला। अरुण ग्वाला। तुम्हारा? थानेश्वर साहू। और तुम्हारा? रहिंदर तते। रहिंदर तते। तो भैया आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम हैदराबाद से आसाम को जा रहे हैं। अच्छा, हैदराबाद से अभी आसाम जा रहे हैं, देख सकते हो ये गाड़ी लेके आया। तो भैया लोगों ने दूर से देखे रुकाया, क्या देख के रुकाया भैया? अच्छा, इंडिया झंडा देख के फ्लैग देख के रुखाया ना, तो भैया ने फ्लैग देख के रुखाया, फिर देखा कि मैं भी आसाम से ही हूँ। आसामीस बोलते हो ना भैया? आसामीस बोलते हो ना। हैदराबाद में क्या करते हो? हैदराबाद जॉब करते हो ना। तो भैया लोगों ने जो है ना कुछ पैसा उसे देके भी मदद कर दिया, तो भैया आप लोगों का दिल से शुक्रिया। मैं इस साइड से चल रहा था और देखो रोड उस साइड से है, फिर भी भैया लोगों ने रुखाया। तो चलो ठीक है, चलते रहते हैं अभी दोबारा। भाई का चैनल सब्सक्राइब करो एक बार। बिल्कुल। तो इन भैया लोगों से मिलते मिलते दो भैया और यहाँ पर रुक गए। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अजय। अजय। तुम्हारा? कपिल। कपिल। भैया लोगों का खेती करते हैं, देख सकते हो टमाटर लेके जा रहे हैं भैया। मध्य प्रदेश में कौन सा खेती होता है ज्यादा? भाई यहाँ तो सभी प्रकार का सब्जी होता है, मतलब कैसे फिर भी ज्यादा अभी गेहूँ का कटाई चल रहा है। गेहूँ का कटाई चल रहा है, मतलब सबसे ज्यादा गेहूँ होता है। अच्छा, सीजन का टाइम है। वैसे हमारे आसाम में सबसे ज्यादा चाय पत्ती होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर गेहूँ ज्यादा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर गेहूँ ज्यादा होता है भैया बोल रहे हैं, लेकिन अभी सीजन चल रहा है टमाटर का। तो भैया टमाटर। और इसे क्या बोलते हो भैया ये सब्जी को? ये मुनगा। मुनगा है। मुनगा बोलते हो क्या? इसको दाल में डाल के खाते हैं। हाँ, दाल में डालते हैं, लेकिन हम लोग इसे कुछ और ही बोलते हैं, साजना बोलते हैं इसे, देख लो ऐसा। हम लोग इसे हमारे लैंग्वेज में साजना बोलते हैं, देख सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है खाने में और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन भी होता है ना, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये। ठीक है भैया, शुक्रिया। तो साइकिल चलाते चलाते टाइम जो है ना कुछ 11:46 हो चुका है और मैंने कुछ 40 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ। और यहाँ पर मेरे को अभी एक भैया मिला। क्या नाम है भैया तुम्हारा? आदिश। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? यही से हो, जबलपुर। जबलपुर से हो? अच्छा, ये जबलपुर में ही पड़ता है क्या? जबलपुर क्यों पड़ता है, ये सेहोरा है। तो गूगल में बता रहे मैं 40 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ जबलपुर से। और भैया ने यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के लिए रुकाया है और ये देखो गन्ने का जूस का मशीन यहाँ पर भैया हाथ से करता है, यहाँ पर मशीन का यूज़ नहीं करता है। बहुत बढ़िया, देख सकते हो कितना टाइट होता है भैया, ये बहुत टाइट है क्या? कभी कभी भाई साहब टाइट है थोड़ा बहुत, देख सकते हो कितना मेहनत लगता है। गन्ने का रस अपना मस्त निकल चुका है, तो गन्ने का रस पीते हैं अभी। मैं भी सोच रहा था पीने का, भैया नहीं आता। थैंक यू भैया, आपको इतनी दूर से आए हैं जबलपुर से, कुछ तो बात रहना चाहिए ना, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जूस पिला दिया जाए, ताकि याद तो रखेंगे कि जबलपुर वाले मिलते हैं ऐसे, रास्ते में मिल के जूस पिला देते हैं। इंडिया का लोग ही ऐसा है, पूरा मेरा
लोगों के सपोर्ट से चल रहा है। मैं घर से 500 रुपए लेके निकला। आप बताइए कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो बाहर जाए और उसको इतना सपोर्ट मिले? मतलब ये है कि इंडिया अपना बहुत सपोर्टेबल है हर चीज़। तो गन्ने का जूस कभी पीते हैं? बस गर्मी ज़्यादा है, गन्ने का जूस ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने कहा गन्ने का जूस पीओ, बढ़िया है। गन्ने का जूस पी के निकल चुका हूँ और भैया वो आ गया कि जा रहे हैं बाइक पे, बोल रहा है लंच भी करा देगा, तो देखते हैं क्या होता है। लंच करने के लिए जो है ना मेन हाईवे से 1.5 किलोमीटर अंदर आया हूँ, भैया ने लेके आया है। तो इधर एक फाटक पड़ रहा है और इतना फाटक में ट्रैफिक, भाई सब देख सकते हो। चेत तक को इधर ही पार्क लगा के जा रहा हूँ अभी खाना खाने के लिए उस साइड में, और इतना ट्रैफिक फाटक में भाई साहब देख रहे हो। तो अभी लंच करने के लिए लेके आया भैया ये क्या देख सकते हो, कुछ दुकान है ये, मतलब कि घर टाइप का ही है ये, लेकिन यहीं पे खाना मिलता है। क्या नाम है भैया आज जाएगा? ये राजू अग्रवाल जी। अच्छा खाने का है? अच्छा होटल है ये, यहाँ पे आराम से घर जैसे खाना मिलता है। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हो पूरा घर जैसा यहाँ पर है। तो खाने पे रोटी सब्जी है, दाल है, तो मस्त अभी इस खाने को खाते हैं। तो खाना पीना अपना मस्त हो चुका है और अभी भैया जाने वाला है। तो भैया थैंक यू आपको, अपने खाना पीना खिला दिया, जूस भी अच्छा पिला दिया मिलने में, और ऐसे ही टूर करते रहें ताकि अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो मिलते हैं फिर, ठीक है? बाय, धन्यवाद। क्या नाम है भाई तुम्हारा? नयन। क्या? नयन दाहिया। अच्छा अच्छा, वो भैया भी बुला रहे हैं, तो देखते हैं भैया क्या बोलते हैं। तो भैया ने बुलाया यहाँ पर चाय पीने के लिए, तो थोड़ा सा चाय पी रहा हूँ, ये देख सकते हो। अभी अभी तो खाना खा के आया। भैया क्या नाम है तुम्हारा? दीपक पटेल। तो भैया का ये शॉप है देख सकते हो। इस जगह का नाम क्या है भैया? क्या इस जगह का नाम? जबलपुर। ये जबलपुर ही है क्या? जबलपुर सहोरा। अच्छा, जबलपुर सहोरा इस जगह का नाम है। चाय पी के भैया को थैंक यू बोल के निकल चुका हूँ। अभी कुछ किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद जाएगा, दोबारा हाईवे मिलेगा, तो हाईवे में उधर ही बैठ के कहीं पे रेस्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठ के रेस्ट तो लिया नहीं। कुछ टाइम साइकिल चला के हाईवे में आके पहुंच चुका हूँ। ये देख सकते हो साइड में हाईवे है, तो इधर एक पेड़ मिल चुका है, तो इधर ही बैठ कर थोड़ा टाइम रेस्ट ले लेते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है कुछ 2:23, तो कुछ 1.5 घंटा बैठ कर रेस्ट लेते हैं, क्योंकि धूप जो है ना बहुत तेज़ी का धूप निकला हुआ है देख सकते हो। इतना धूप में साइकिल चलाना भी ठीक नहीं है, और वैसे भी आज मैंने अच्छा खासा साइकिल चला लिया, 45 किलोमीटर से ऊपर साइकिल चला चुका हूँ। यहाँ पर बैठ के कुछ टाइम रेस्ट पेस्ट ले लिया, वीडियो शीडियो जो भी एडिट करना था सब कुछ कर लिया, और अभी जो टाइम हो चुका है कुछ 4:12 देख सकते हो। तो अभी दोबारा राइड को स्टार्ट किया जाए, और धूप भी एकदम नॉर्मल हो चुका है देख सकते हो। तो अभी साइकिल को चलाते रहते हैं, 2 घंटा और टाइम रह गया हाथ में साइकिल चलाने का। तो साइकिल चलाते चलाते रात हो चुका है, और रुकने उकने के लिए भी जगह वगैरह मस्त मिल चुका है। एक HP का पेट्रोल पंप देख सकते हो, काफ़ी साफ़ सुथरा पेट्रोल पंप है। तो इधर ही टेंट लगाने के लिए बोल दिया, तो इधर टेंट लगा के मस्त सो जाऊंगा। तो अभी टेंशन लगाते हैं और हाथ मुँह धोते हैं, नहाऊँगा नहीं क्योंकि काफ़ी ठंडा लग रहा है इधर अभी। तो टेंशन अपना मस्त लग चुका है ये देख सकते हो, और अभी रात का डिनर का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं रात में डिनर करने के लिए। पास में शायद ढाबा वगैरह होगा 500 मीटर पर, तो पैदल ही चलते हैं। कुछ 500 मीटर दूरी पे ही था एक ढाबा, ये देख सकते हो ये ढाबा था। तो इधर ढाबे पे मस्त जैसे रोटी है, और ये चना मसाला लिया कुछ हाफ प्लेट है, 80 रुपये का चना मसाला, और रोटी 7 रुपये पीस। तो अभी इस खाने को मस्त खाते हैं। खाना पीना खा के आ चुका हूँ, और कुछ 110 रुपये खर्चा हुआ है, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।